ओ माई गॉड टू दोस्तों, ओ माई गॉड टू क्या हो रहा है यार इस फिल्म के साथ, क्या हो रहा है? मतलब 27 कट्स इस फिल्म के अंदर है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये, सुनो, फिल्म गॉड के ऊपर है, फिल्म में से गॉड को ही निकाल दिया। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज एक और है, फिल्म भगवान के लेकर के बनाई गई है, लेकिन फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि फिल्म में दोस्तों बहुत सारे एडल्ट सीन होने वाले हैं। एडल्ट सीन तो नहीं होंगे, मैं इतना तो मानता हूँ कि जिस तरीके की ये फिल्म बनाई गई है, ओ माय गॉड, उसमें एडल्ट सीन नहीं होंगे, बट उसमें एक ऐसे सीन्स जरूर होंगे जो कि एक मैच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाए गए होंगे, मैच्योर ऑडियंस ही समझ सकती है। हालांकि फिल्म सेक्स एजुकेशन को लेकर के, तो दोस्तों ये एक मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई गई है, इसमें कोई ऐसा एडल्ट सीन नहीं होगा जो कि देखने में आपको वल्गर लगे। तो वल्गर इसमें तो नहीं होगा, लेकिन डायलॉग्स जरूर इसमें ऐसे होंगे जो कि केवल एडल्ट्स के लिए लिखे गए होंगे। अब उसमें 27 कट्स लग चुके हैं, तो क्या ये फिल्म में उतनी ही जान बची है? अब इसका ट्रेलर आने वाला है, इसका ट्रेलर देखने के बाद पता चलेगा कि फिल्म में क्या है, फिल्म में ऐसा क्या दिखाया जा रहा है जिसकी वजह से फिल्म इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंस गई है। तो इसका ट्रेलर आएगा, इन ट्रेलर के बाद में भी फिल्म उतनी ही कामयाब हो जितना कि पार्ट वन इसका कामयाब रहा था। अब देखते हैं कि इस फिल्म में क्या होगा यार। इस फिल्म में 27 कट्स लग चुके हैं, इतने सारे कट्स लगने के बाद, डायलॉग चेंज करने के बाद, क्या ये फिल्म दर्शकों को बांध के रख पाएगी? क्या ये जो इसका मैसेज था वो दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब रहेगी? वो तो दोस्तों फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन देखते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कितना ज़्यादा कलेक्शन करने में कामयाब रहती है और दर्शकों को कितना ज़्यादा भाती है ये फिल्म। आप कितना एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर के? 11 अगस्त को आप पहले कौन सी फिल्म देखने वाले हैं, गदर 2 या ओ माई गॉड 2? कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना।